हेलो गाइस, उमेश और की हाल चाल है? बढ़िया ही होंगे, सभी बढ़िया ही हैं। तो अब मैं रिएक्ट करने वाला हूँ सोनिया बाय आसिम अजहर। तो बहुत टाइम से मैंने इनके भी गाने पे रिएक्ट नहीं किया। लास्ट टाइम शायद जो मैंने गाना इनका जो सॉन्ग था जिस पर रिएक्ट किया था वो था दुनिया। और तो मुझे इनकी सिंगिंग और ख़ास तौर पर मुझे इनकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। खासकर जब मैंने वो सुना था नवाजिश-ए-करम, और उसमें जैसी इनकी केमिस्ट्री बैठ रही थी मोमिना मुस्तसन के साथ, तो वो एक स्टेज पे जान ले आती है, क्योंकि आपका साथ में जो सिंगर है आपके साथ जो वो भी इन्जॉय कर रहा होता है आपकी पर्सन, क्योंकि आप इतने जॉली टाइप होते हो तो आसपास वाले भी, तो उनको देख के वैसी फीलिंग आती है कि ये वो फ्रेंड है जो ग्रुप में अगर होंगे तो पूरा टाइम हंसी मजाक हो रहा होगा, मज़ा आ रही होगी, जोक्स वगैरह क्रैक हो रहे होंगे। तो ऐसी मुझे इनकी पर्सनैलिटी लगती है, तो इसलिए इनके गाने भी फ़न टाइप के, मतलब जितने मैंने अभी तक देखे हैं तो वो भी फ़न टाइप के ही होते हैं। तो ये देखते हैं। This music will be structured by very changing circumstances. Okay. अगर नहीं था तू होना मेरा, कह देता एक दफा, कैसे मैं चाहूँ किसी और को, काबिल ही ना रहा। ओ सोनेया क्यों तोड़ेया दिल को सी मेरा, ओ सोनेया ता मैं तेरा, मैं कैसे तुझसे जुदा रह सकूं, मैं कैसे तुमको पराया कहूं। माने ना दिल कहता है मेरा है तू है मुझे, सफर में मेरे न होना तेरा, लगता है इस तरह जैसे बारिश हवा की तरह जाए बरसे बिना। ओ सोनेया क्यों तोड़ेया दिल को सी मेरा, ओ सोनेया क्यों तोड़ेया की मैं तेरा, कैसे खुश है, कैसे खुश क्यों ने भाए अकेले ही हम। ये हारमोनी वाली बीट बहुत गजब लग रही है बीच में। क्यों अफवाहों के किस्से अधूरे रहे, तेरी सांसों को हम ना जरूरी रहे, जीने के वास्ते जो हमें चाहिए सब मिला क्यों उसी से ही दूर रहे। सर झुका के बनाए हैं दरो हरम, मांगा मुफलिस की तरह है तुझको सनम, बाकी है आरज़ू जब तलक है ये दम, भारी है मंजिलें जारी हैं ये कदम, क्यों अफवाहों के किस्से अधूरे रहे, तेरी सांसों को हम ना जरूरी रहे, जीने के वास्ते जो हमें चाहिए सब मिला क्यों उसी से ही दूर रहे, सर झुका के बनाए हैं दरो हरम, मांगा मुफलिस की तरह है तुझको सनम। ये कुक स्टूडियो सुनने की वजह से ना अब सारे सॉन्ग छोटे छोटे लगने लगते हैं, पता नहीं क्यों, आदत बिगाड़ रही है। खैर ये बहुत डिफरेंट टाइप का ब्रेकअप सॉन्ग था, मतलब ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। पहली बात तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ब्रेकअप सॉन्ग होगा, और दूसरी बात इस टाइप का होगा ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शंस में हूँ, मतलब ये मुझे एक्चुअली पता नहीं भाई, सबका अलग अलग होता है नज़रिया। मुझे थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों, आप लोग भी देख रहे हो कि मेरे मुंह पे पूरे टाइम कंटिन्यूस स्माइल थी, क्योंकि मुझे वो डिप्रेसिंग सा नहीं लग रहा था सुनने में। वो बातें डिप्रेसिंग थी ऑब्वियसली कि यार मतलब छोड़ के चली गई, ऐसे छोड़ के चली गई, ऐसे कैसे छोड़ के अब खुश क्यों है, मैं अब मर रहा हूँ दुख से, नहीं तो तुम खुश हो मतलब तो लेकिन मेरे को उस पर मैं हंसी वैसी नहीं कह सकते हैं, बट मेरे को फन टाइप का आ रहा था, मतलब फ़नी नहीं फन आ रहा था। क्या बोल रहा हूँ मैं, दिमाग ख़राब हो गया। खैर पॉइंट मेरा ही था फिर से वापस आते हैं कि एक तो सिनेमाटोग्राफी जो थी वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट टाइप की थी, मतलब कोलाइडोस्कोप इफेक्ट्स आ रहे हैं, और ऊपर से एकदम जो फास्ट पेस मूवमेंट, बीच में हारमोनियम, लोग इतना खूबसूरत सा दिख रहा था कि वो देख करके बहुत, मतलब एक विजुअली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था देख करके, तो वो मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। उसके बाद आसिम अजहर ने जिस तरीके से उस चीज़ को मतलब प्रेजेंट किया, मतलब एक ये होता है कि इस टाइप के गाने बहुत स्लो पेस्ड ये भी था, बट एक होता है कि बहुत एक वैसी रिदम होती है, ये थोड़ा ईडीएम टाइप और वैसी इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक वाली फील दे रहा था। तो वो एक काफ़ी मतलब एक उस ब्रेकअप सॉन्ग को काफ़ी चेंज कर दिया, मतलब कैसे बोलूँ, इसका जॉनर ही पूरा चेंज हो गया। तो एक टिपिकल ब्रेकअप सॉन्ग वाली फील तो बिल्कुल नहीं आई, तो इसलिए मैं इसको एब्जॉर्ब करने में मेरे को थोड़ा लगा था कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, मतलब ये मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा इस पर ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। पर ये बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि जो इसके जिस तरीके की सिनेमाटोग्राफी थी वो ऑसम थी, क्योंकि मतलब ऐसे में आपको पूरे टाइम कुछ ना कुछ, आपकी आँखें बिजी हैं, आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, सब कुछ इसमें रैंडमली हो रहा है। और उसके बाद जिस तरीके की बीट्स थी उसी के हिसाब से कोरियोग्राफी भी की गई थी, वो भी एकदम फिट बैठ रही थी। तो लाइटिंग वगैरह भी डार्क बट स्टिल नॉट लाइक डीसी टाइप डार्क, मार्वल वाला डार्क तो जो डीसी मार्वल के फ़ैन होंगे वो समझ जाएंगे। तो ये वाला मैंने था, तो काफ़ी मतलब बहुत ही अजीब अजीब से मेरे को ख्याल आ रहा था, इसलिए मैं स्माइल कर रहा था कि मैं ये सोच के आ रहा हूँ मैं गाना देख रहा हूँ और मैं सोच ऐसी रैंडम चीज़ें रहा हूँ। बदल गया भाई, क्वारंटीन है, इतने टाइम से रहा हूँ यार, और ये क्वारंटीन में आया है, जुलाई 23 प्रीमियर्ड, तो यानी जो शुरुआत में डिस्क्रिप्शन था वो इसीलिए था कि इन्होंने मतलब कोरोना वायरस के और उसके बीच में ये बनाई है वीडियो केवल अपने फैंस के लिए, जो काफ़ी बड़ा रिस्क है, बट थैंक यू, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक, क्योंकि अब एकदम से सब कुछ बंद हो गया था, तो क्वारंटीन के टाइम पर कोई कंटेंट भी नहीं आ रहा, मतलब सारे शोज़ वगैरह शूट होने बंद हो गए, मूवीज़ शूट होनी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया एकदम। आप टीवी भी नहीं देख सकते क्योंकि सब कुछ पुराना सा आ रहा है। उसके बीच में कोई अगर इतना रिस्क लेकर के आपके लिए कुछ बनाता है तो सीधी सी बात है वो फैंस कितने खुश होते हैं कि वाह ये, मतलब और एक हम लोग हैं, मतलब देखो वो क्वारंटीन में बेचारा बना रहा था और हम लोग देखो यहाँ पर मतलब आराम से एक साल बैठे रहे, क्या ठीक है, पर होता है ऐसे ही सीखते हैं बच्चे भी ये अच्छी लगी मेरे को वीडियो, काफ़ी डिफरेंट थी, तो थैंक यू, पीस आउट।